दोस्तों आप लोगों को एक सवाल काफी ज्यादा कमेंट किया जा रहा है, आखिर ऑटो टैक्सी चालक को 5,000 रुपए कब से मिलने वाले हैं? जिन लोगों को 2020 में 5,000 रुपए नहीं मिला था, उन्हें 5,000 रुपया कैसे मिलेंगे? तो आज के वीडियो लास्ट तक देखते रहिए, सारा आप लोगों को इस सवाल का जवाब मिल जाएंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। दरअसल दिल्ली में कोरोना का कहर काफी तेजी से बढ़ रहे थे, इसलिए के सीएम अरविंद केजरीवाल ने 3 लाख लोगों को 2 महीने के लिए फ्री राशन देने का ऐलान किया और ऑटो टैक्सी चालक को 5,000 रुपये देने का घोषणा कर दी और कैबिनेट मीटिंग में भी मंजूरी मिल गए थे 5,000 रुपये ऑटो टैक्सी चालक को देने के लिए। और जिन ऑटो चालक को 5,000 रुपये पिछले साल नहीं मिला था या फिर आवेदन नहीं कर पा रहे थे, उसका लिंक भी 25 मई को अपडेट होने वाला था transport.delhi.gov.in पे, लेकिन अभी तक अपडेट नहीं हुआ। प्रकार के काफ़ी ऐसे सवाल है जो आप लोग जानना चाहते हैं, आखिर ऑटो टैक्सी चालक को 5,000 रुपये कब मिलेंगे? और जिन लोगों ने 2020 में अप्लाई नहीं किए थे या फिर अप्लाई किए थे उन्हें पैसे नहीं मिले थे, तो उन्हें पैसे कैसे मिलेंगे? तो दरअसल मैं आपको बता दूं, कल के डेट में यानी कि 23/5/2021 सुबह 10:30 पे कैलाश जी अपने फेसबुक पेज पे लाइव आने वाले हैं और उन्होंने बोला है मैं लाइव आऊँगा और लोगों को जो भी जितने भी सवाल हैं, पैसे कब आएंगे ऑटो रिक्शा ऑटो टैक्सी चालक, सवाल का जवाब देने वाले हैं। और जिन लोगों को 2020 में पैसे नहीं मिले थे उन्हें कैसे मिलेंगे, वो कब तक आवेदन कर पाएंगे? तो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने फेसबुक पेज का लिंक दे दिया हूँ, तो आप जाके वहाँ से फॉलो कर सकते हैं। और कल सुबह 10:30 का वेट करना है, यानी कि 10:30 का वेट करना है। तो देखते हैं लाइव आते हैं तो क्या क्या जवाब मिलता है। आज के वीडियो में बस इतना ही, वीडियो पसंद है लाइक करना, चैनल पर नए है तो सब्सक्राइब करना। तो दोस्तों मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में।